hello everyone welcome to quantifiers ipm academy students to know more about us you can also join our telegram group a link for that is given in the description now let us discuss this question uh, our students this particular question uh, was again very very lengthy so it is given that these three terms are in ap we have to find the value of x now first of all students because they are in ap then their difference will be same राइट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बीवल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म तो जो कंजेगेटिव टर्म्स का डिफरेंस right? तो है उसको हमने सेम रखना है सो नाउ स्टूडेंट सेम लॉजिक आई एम यूजिंग सेकंड टर्म ओके ना दिस इज दी सेकंड टर्म लेट मी हाईलाइटेड ये पूरा सेकंड टर्म है अपने आप में इस सेकेंड टर्म में से मैंने फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया सो इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस फर्स्ट टर्म फ्रॉम दिस दिसकेंड टर्म यू कैन सी माइनस सिक्सटीन माइनस टू टू दावर टू एक्स माइनस वन ये मेरा डिफरेंस आ जाएगा जब मैंने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया नाउ स्टूडेंट्स आई एम सब्ट्रैक्टिंग दिस सेकंड टर्म फ्रॉम दि थर्ड टर्म अब सेकंड टर्म को अगर मैं थर्ड टर्म में से माइनस करूंगा

स्टूडेंट यू कैन सी थिंग मल्टीप्लाइड टू यहाँ पर भी दोनों जगह बेस से पावर एड हो जाएगी सो वील गेट टू टू दावर टू एक्स ओनली प्लस थर्टी टू ना स्टूडेंट्स इन दिस पर्टिक्युलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इट्स बेटर टू डू हिट एंड ट्रायल यहां से अगर हम हिट एंड ट्रायल करेंगे तो आंसर जल्द ही आ जाता अगर आप वैल्यूज पुट करके देखते x is equal to one, two, तो आपको आंसर पता लग जाता और ये बहुत ही छोटा तरीका था सो इफ यूट एक्स इज इक्वल टू थ्री यू कैन सी इट विल से हम एक्स की जगह थ्री पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा विल गेट टू टू दी पावर सेवन माइनस टू टू दी पावर फाइव ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या जाएगा? Two आ जाएगा टू की पावर सिक्स आ जाएगा

स्टूडेंट्स आई होप नाउ ऑल ऑफ यू कैन सोल्व इट फ्रॉम एयर सो स्टूडेंट्स फ्राम गेट टू वैल्यूज वाई की वैल्यू एट आ जाएगी ठीक है वाई की वैल्यू एट आ जाएगी और एट बाई थ्री आ जाएगी लेकिन मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है मैंने वाई किस को तो टू टू दावर एक्स को मैंने वाई लिया था वाई की वैल्यू मैं एट पुट कर रहा हूँ टू टू दावर एक्स इज एट मतलब टू टू दावर एक्स इज इक्वल टू 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 दावर थ्री तो एक्स की वैल्यू थ्री आ जाएगी A very very lengthy process so it's better you put values you could have done it very quickly okay guys i hope all of you have understood it thank you